स्वागत है आपका न्यूज एटीन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियतनामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बरपा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगों के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है। सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहु मंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार करने के लिए नहीं है कोई पुल। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किल का सामना। पुंछ शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले पुलस्त नदी पर शेर कश्मीर पुल पर ब्लैक टैपिंग का काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि इस पुल की खस्ता हाली की वजह से अक्सर हादसा पेश आते रहते थे। पुल की मरम्मत के लिए लोगों के मुताबे पर पुंछ के नए डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में ब्लैक टैपिंग का काम शुरू कराया है। राजौरी में दुकान में लगी भयानक आग। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख। नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा देगी इंतजामिया। जम्मू में ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट्स का एहतजाज। बिजली के बिल अदा करने के हालिया हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 10 दिनों के अंदर हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर का किया तस्करा। कहा अब जम्मू कश्मीर के बारे में सियाहत और G20 के हवाले से हो रही है बातचीत। मन की बात प्रोग्राम में पटन के इशरत नबी आबिद हुसैन का लिया गया नाम। दूध डेयरी फार्म और यूनिट का किया गया तस्करा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की इनके काम की तारीफ। उधमपुर में लहराया गया 72 फुट ऊंचा तिरंगा। शुमाली कमान के हेडक्वार्टर पर हुआ तकरीब का एहतमाम। नौजवान नस्ल को मुल्क की अजमत पर फख्र करने का मिला मौका। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट। सैयद बशारत बुखारी को किया पार्टी से बाहर। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में बताया गया मुलविस। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब कुलगाम के इंचार्ज और सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार ने नीट इम्तहान में कामयाब हुए उम्मीदवारों के मकान जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने 11 पुरा व दीगर इलाकों में कई कामयाब उम्मीदवारों के अहले खाना के साथ नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। अनंतनाग के ऐश मकाम नुगाम सिंहपुरा में सालाना तकरीब के दौरान भजन कीर्तन का अहतमाम किया गया। तकरीब में सिखों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मेंढर में हो रही लगातार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पानी का बहाव तेज होने से नदियों में जा गिरा डंपर। पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। फोर्सेस ने आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। चट्टानों के नीचे से विस्फोटक सामग्री की बरामद। जांच के बाद गोला बारूद किया गया नष्ट। पुंछ जिले के शीतरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तलाशी अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चट्टानों के नीचे से बड़ी मात्रा में जंग लगी विस्फोटक सामग्री बरामद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। देश भर में नफरत फैलाने वालों को श्री अमरनाथ यात्रा से लेना चाहिए सबक। साबा में फिल्मी अंदाज में चोरी। AC सर्विस के बहाने घर में घुसे ज्ञात लुटेरे। महिला से मारपीट कर 5 तोला सोना और 20,000 के नकदी लेकर हुए रफू चक्कर। लद्दाख को अधिकार दिलवाने के लिए सोनम वांगचुक का क्लाइमेट फास्ट। विभिन्न धार्मिक संगठनों का मिला साथ। बातचीत के लिए गृह मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल को 19 जून को दिल्ली में किया आमंत्रित। DDC हेडक्वार्टर बैठक वाजी बशीर खान ने उप जिला अस्पताल के गेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगे भी निर्माण कार्य किए जाएंगे जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के पीर पांचाल के पहाड़ों में
स्थित 400 वर्षों से भी पुराना शिव मंदिर और बहरा मगला मंदिर उसके बहुत क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में यज्ञ और भंडारे में सभी समुदायों के लोग भाग लेते हैं और एकता और भाईचारे का देते हैं संदेश। पुलवामा में तरक्याती गांवों का सिलसिला जारी है। पायर चकोरा रोड पर नंबर 8 के तहत 20 साल के बाद अपग्रेडिंग शुरू की गई है। महकमे RNP की जानिब से 10 किलोमीटर की राबता सड़क की तामीर से जिला पुलवामा के कई देहात का आपस में राबता बेहतर होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 जून को करेंगे जम्मू का दौरा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर करेंगे एक जलसे से खिताब। नरेंद्र मोदी हुकूमत की कामयाबी को करेंगे जलसे के दौरान उजागर। सियाहों का एक बड़ा ग्रुप पहुंचा कश्मीर। ऑफ बीट और अंधे के मकामात की तलाश के लिए भेजा गया है ये ग्रुप। ग्रुप को ले जाया गया युसबर्ग, दूधपत्री और डाक्सम। जम्मू कश्मीर मंशियात के इस्तेमाल में पंजाब को छोड़ा पीछे। कुल आबादी का 2% अफराद है मंशियात की लत में मुब्तला। डॉक्टर मुश्ताक सिद्दीकी ने किया इन हकायक का इंकशाफ। खासी तादाद में सयाह कर रहे हैं दूधपत्री का रुख। रवां बरस 4 लाख से ज्यादा सयाहों की दूधपत्री की सैर तफरी। इंफ्रास्ट्रक्चर ATM और मोबाइल नेटवर्क की सहूलत के फुकदान से हो रहे हैं सयाह परेशान। इंडोर हॉल पोलो ग्राउंड में श्रीनगर में बैंकॉक सैलाब चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्कूलों और क्लबों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी सरगर्मियों से दूर रखने में मदद कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर पार्टी की जानिब से जिला कठुआ के बरनोटी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मरकजी वजरा हरदीप सिंह पुरी और जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। हुकूमत की तरफ से महाना बुनियादों पर बिजली के बिल अदा करने के हालिया हुक्मनामे के खिलाफ ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट्स ने जगती माइग्रेंट टाउनशिप में एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला कुलगाम में मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी है। मुख्तलिफ महकमेजात ने मिलकर कार्रवाइयां अंजाम दी। महकमा देही तरक्की कुलगाम ने अब तक तकरीबन 1500 कनाल अराजी पर फैली खशखाश और भंग की काश्त को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यूटी उपाध्यक्ष सूफी मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में खन्नाबल अनंतनाग में एक रोड शो आयोजित किया। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा युवा मोर्चा की राजौरी इकाई ने बाइक रैली निकाली। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने लोगों को मोदी सरकार के 9 साल के दौरान किए गए कामों के बारे में बताया। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर NDS ग्राउंड ग्रे में 7 दिवसीय जलवायु बैठे हैं। जलवायु उपवास का मकसद लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6th अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया और लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटों जैसी मांगों को पूरा करवाना है। IIT मंडी में 21 जून से G20 और S20 मीट का होगा आयोजन। आयोजन में हिस्सा लेंगे राज्यपाल, CM और Deputy CM। शिमला में JBT प्रशिक्षुओं ने खोला शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा। शिक्षा मंत्री पर विभाग में धांधली करने के लगाए आरोप। मनोहर लाल हत्याकांड में हो रहे नए खुलासे। मामले की जांच में जुटी पुलिस को मुख्य आरोपी और उसके परिवार के खाते में करीब 10 लाख रुपए का पता चला। साथ ही जांच की जमीन के कब्जेकारों को ही पाया गया सही। हिमाचल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बना पेपरलेस। CM सुखो ने सभी विभागों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के दिए निर्देश। चाला से कुमारहट्टी तक सड़क के सुधारीकरण पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया ऐलान। ढलियारा में ट्रेड फेयर के एक दुकानदार पर लगा 2 बच्चियों से छेड़खानी का आरोप। देहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर शुरू की जांच। शिमला में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उनके साथ सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिमला में जमकर की नारेबाजी। शिक्षा मंत्री पर विभाग में धांधली करने के लगाए गए आरोप। कुल्लू में प्रशासन ने सभी प्रवासी कामगारों और बाहरी लोगों की पहचान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। ढलियारा में ट्रेड फेयर के एक दुकानदार पर 2 बच्चियों से छेड़खानी का आरोप लगा है। सुंदरनगर में हाईवे से बिना अनुमति वाली रेहड़ियां हटाई जाएंगी। इसके लिए पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त अभियान छेड़ा है।
केलांग में अंडर 14 के स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 106 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता के चयन को लेकर ट्रायल का आयोजन किया गया। क्रिकेट टीम में जगह पाने के लिए जिले भर के करीब 45 अंडर 23 क्रिकेट खिलाड़ी इंदिरा स्टेडियम पहुंचे। हमीरपुर में पाषाण की मूर्तियां बनाकर उनमें हुनर से जान फूंक रहे रामपाल शर्मा रामपाल देवी देवताओं के साथ कई विशिष्ट व्यक्तियों की मूर्तियां बना चुके हैं। कुल्लू में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। ऐसे में सुबह शाम आवारा कुत्ते बुजुर्गों महिलाओं बच्चों पर हमले कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाहौल स्पीति में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता और समिधिकरण अभियान को लेकर ग्राम पंचायत गोदला में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली में राजनीतिक दलों की बैठक बीजेपी सांसद जुगल किशोर का बयान ऐसी मीटिंगों से कुछ नहीं होने वाला कहा मोदी सरकार से बौखलाया हुआ विपक्ष। दिल्ली में आयोजित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक पर बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकें पहले भी बहुत हो चुकी हैं। हरियाणा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जलसे आम से खिताब बीजेपी हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी का किया जिक्र अगले इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील। अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में जलसे आम से किया खिताब कांग्रेस और बीजेपी पर बदनवानी का लगाया इल्जाम बदनवानी से पाक हुक्मरानी के लिए आपको वोट देने की अपील की। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग को बदलने का मामला डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर का बयान आवाम और शायकीन के राय के मद्देनजर रखते हुए कुछ डायलॉग को तब्दील करने का फैसला लिया गया है। शुमाली सिक्किम में आफात सरमावे के बाद राहत कार्य में तेजी इंडियन आर्मी ने मजीद 300 सयाहों को महफूज मकामात पर किया मुंतकिल। मध्य प्रदेश के आजमीन हज की मुश्किलात बरकरार बुनियादी सहूलियात से आजमीन हज ने मक्के में होटल के सामने सामान रखकर किया एहतजाज। भोपाल हज हाउस में लिफ्ट में फंसे 11 आजमीन को लिफ्ट तोड़कर निकाला गया बाहर। हज कमेटी के नाकिस कारकर्दगी से आजमीन हज और समाजी तंजीम में सख्त नाराज। ओडिशा ट्रेन हादसे में मेलुकिन की तादाद बढ़कर हुई 292 40 से ज्यादा जख्मी मुसाफरीन का इलाज जारी 2 जून को ओडिशा के बालासोर में पेश आया था हादसा। मणिपुर में जारी तशद्दुद के खिलाफ शहर हैदराबाद में मौके मणिपुर के लोगों ने अमन की बहाली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। हैदराबाद में इंदिरा पार्क धरना चौक पर प्लाकार्ड और बैनरों के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वालों ने तशद्दुद पर काबू पाने और अमन की बहाली का हुकूमत से मुतालबा किया। बिहार में 7 जिले में गर्मी का रेड अलर्ट अस्पताल में लू लगने से बीमार मरीजों की संख्या बढ़ी। पटना के राजीव नगर में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर मारपीट लाखों के गहने और रुपए लूटकर फरार हुए अपराधी। पटना में हथियार के साथ अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में जेवर दुकानदार की हत्या कर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 23 जून के बाद नीतीश कैबिनेट का फिर होगा विस्तार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का दावा कांग्रेस से 2 और आरजेडी कोटे से बनाए जाएंगे नए मंत्री। सबके लिए समान कानून पर सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी। मुख्यमंत्री ने सवाल को टालते हुए कहा इस पर बाद में होगी बातचीत। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर आईईडी ब्लास्ट विस्फोटक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बिहार में जानलेवा साबित हो रही गर्मी पटना के दीघा घाट पर आज जली 40 से अधिक चिताएं। लू से मौत का सरकारी आंकड़ा अभी जारी नहीं। बिहार में पिछले 18 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है वहीं भीषण गर्मी और हीट वेव अब जानलेवा साबित हो रही है। अरवल के एनएच 139 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। युवक गांव में घूम घूम कर फेरी का काम करता था। फेरी के दौरान बेलगाम ट्रक ने युवक को रौंद दिया। दानापुर में बालू के अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बालू लदे कई नावों को जब्त किया लेकिन असामाजिक तत्वों ने जब्त नावों में आग लगा दी।
सीवान के झरी नदी में 10 साल की एक बच्ची डूब गई, जिसकी तलाश में पूरा गांव जुट गया। कई घंटे की तलाशी के बावजूद बच्ची की बरामदगी नहीं हो सकी। G20 की बैठक को बिहार म्यूजियम में विशेष तैयारी की जा रही है। इस बैठक में देश विदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरा पटना तैयार। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में हाथियों के झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात देखने को मिला। झुंड से बिछड़े एक हाथी ने राजता धाम बराकर नदी में बालू लोड कर रहे ट्रैक्टर को पलट डाला। खंडवा में कांग्रेस में फिर दिखी कला। बैठक के दौरान भिड़े कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूंसे। जबलपुर में गोलीकांड में बड़ा खुलासा। भाजयुमो नेता प्रयास विश्वकर्मा ने ही महिला मित्र को मारी थी गोली। बीजेपी की सफाई का आरोपी पार्टी का सदस्य नहीं। मुरैना में हॉरर किलिंग से सनसनी। पिता ने बेटी और प्रेमी को तारा मौत के घाट, हत्या कर नदी में फेंका। महासमुंद के चर्च में दिन दहाड़े डकैती। 3 हथियार बंद डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। फादर के हाथ पैर बांधकर कमरे में किया बंद। सतना में एम्बुलेंस को तरसा मरीज। चारपाई पर लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल। 2 घंटे इंतजार के बाद भी किसी ने नहीं ली सुध। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मन की बात बोले पीएम मोदी, कहा खेलों में परचम लहरा रहा है भारत। हर जगह भारतीय खिलाड़ियों की धमक। खेलो इंडिया का लाभ युवाओं को मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा। डिब्रूगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। असम के शिवसागर में जनसभा को संबोधित करते हुए बताई आत्मनिर्भर भारत की ताकत। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के तूफान प्रभावित जिलों का किया दौरा। कच्छ में तूफान पीड़ितों का जाना हाल। राहत बचाव कार्यों के लिए प्रशासन की तारीफ की, कहा अच्छी तैयारियों की वजह से नहीं गई किसी की जान। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भाई की जान बचाने आई 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा की बेटी एंजेलिना राणा दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित। मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं एंजेलिना। पीएम मोदी के मन की बात पर तंज। कांग्रेस ने 102वीं कड़ी के प्रसारण पर कसा तंज, कहा जनता के मन की बात कब करेंगे पीएम। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में खपाते थे आरोपी। महासमुंद के चर्च में दिन दहाड़े डकैती। 3 हथियार बंद डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। फादर के हाथ पर बांधकर कमरे में किया था बंद। राजस्थान किसान महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम गहलोत। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने सिर्फ कारोबारियों के कर्ज माफ किए। कांग्रेस सरकार से घोषणाएं करती है, सालों तक योजनाएं लंबित रहती हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्य सरकार पर हमला। प्रदेश में कहर बरपा रहा बिपरजॉय। सिरोही और जालौर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पाली में नदी में फंसे लोगों को बचाने खुद तहसीलदार नदी में कूदे। रिश्वतखोरों पर जारी है एसीबी का एक्शन। बूंदी में घूस लेते हुए वन्य जीव विभाग के वनपाल को किया ट्रैप। 30,000 की घूस के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अवैध शराब के खिलाफ कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कैथोन पुलिस ने ट्रक से बरामद की 13 लाख की शराब। ट्रक से तस्करी कर रहे 2 तस्कर भी गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में पार्षदों का हल्ला बोल। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों और मेयर का धरना जारी। जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम जारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी ने परिणाम जारी किया। टॉप 10 में दिखा कोटा का दबदबा। हनुमानगढ़ के पंजाबी मोहल्ला से 5 दिनों से लापता एक युवक का शव एक ऑप्टिकल की दुकान की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने की सूचना पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में 4 लेन पर मोडक के एक व्यवसायी पवन जैन की सड़क हादसे में मौत। उनकी कार 4 लेन पर सामने से आ रही रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई।
बीकानेर में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डोंगर राम गिदर ने श्री कुम्हार महासभा के नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। प्रतापगढ़ में मालवीय समाज की ओर से कबीर जयंती महोत्सव के तहत भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। नगर परिषद से प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग शामिल हुए। कोटा के संतोषी नगर इलाके में छत से नीचे गिरने से एक व्यक्ति की मौत। मृतक शराब के नशे में छत पर बनी सीढ़ियों से नीचे गिरा था। जैसलमेर के सरदार सिंह की ढाणी गांव के पास अवैध खनन के गड्ढे में डूबने से एक बालक की दर्दनाक मौत। बीकानेर के अरजसर गांव के एक युवा जुगल किशोर ने अपनी शादी में दहेज के स्थान पर सिर्फ एक रुपया और नारियल लेकर समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति को त्यागने का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को दौसा के लालसोट में भाजपाइयों ने लाइव देखा और सुना। पहली बार यह कार्यक्रम अपने तय समय से एक हफ्ता पहले प्रसारित किया गया। अफ्रीकी देश युगांडा में पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला। एक स्कूल में हुए हमले में 38 छात्रों समेत 41 लोगों की मौत। आईएसआईएस से जुड़े संगठन पर हमले का आरोप। सतना में एम्बुलेंस को तरसा मरीज। चारपाई पर लेकर परिजन पहुंचे अस्पताल। 2 घंटे इंतजार के बाद भी किसी ने नहीं ली सुध। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मन की बात बोले पीएम मोदी, कहा खेलों में परचम लहरा रहा है भारत। हर जगह भारतीय खिलाड़ियों की धमक। खेलो इंडिया का लाभ युवाओं को मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा। डिब्रूगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। असम के शिवसागर में जनसभा को संबोधित करते हुए बताई आत्मनिर्भर भारत की ताकत। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के तूफान प्रभावित जिलों का किया दौरा। कच्छ में तूफान पीड़ितों का जाना हाल। राहत बचाव कार्यों के लिए की प्रशासन की तारीफ। कहा अच्छी तैयारियों की वजह से नहीं गई किसी की जान। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में भाई की जान बचाने आई 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा की बेटी एंजेलिना राणा दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित। मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है एंजेलिना। पीएम मोदी के मन की बात पर तंज। कांग्रेस ने 102वीं कड़ी के प्रसारण पर कसा तंज। कहा जनता के मन की बात कब करेंगे पीएम। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में खपाते थे आरोपी। महासमुंद के चश्मे दिन दहाड़े डकैती। 3 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। फादर के हाथ पर बांधकर कमरे में किया बंद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान किसान महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम गहलोत। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने सिर्फ कारोबारियों के कर्ज माफ किए। कांग्रेस सरकार से घोषणाएं करती है सालों तक योजनाएं लंबित रहती हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्य सरकार पर हमला। कहा पीएम मोदी के व्यक्तित्व के कारण दुनिया में बज रहा भारत का ढंका। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही।